सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे फैमिली को और आपके सारे दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, जो कबीरा जो सगीरा हमने जाने अनजाने में गुनाह किया, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और एक बात आप सभी को बता दूँ, रमज़ान हर किसी को नसीब नहीं होते। आप बहुत ज़्यादा नसीब वाले जो आपको रमज़ान नसीब हो गया, क्योंकि ज़रा आप सोचिए जो आपके साथ पिछले साल रमज़ान में थे, जिनके साथ आप उठे बैठे होंगे, आपके नज़रों के सामने से वो चले गए होंगे और अब उनको रमज़ान नसीब नहीं हुआ। तो शुक्र करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान नसीब फरमाया, क्योंकि ये रमज़ान हर किसी को नसीब नहीं होते। हम सब खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अता फरमाया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी हो सके जितना हो सके उतनी अल्लाह ताला की इबादत करो, रोज़े रखो, इस्तगफार पढ़ो और जो जो भी रमज़ान के अंदर बोला गया वो सारी चीज़ें करो, क्योंकि हो सकता है मुझे और आपको अगला रमज़ान शायद नसीब ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी इबादत हो सके उतनी इबादत करो और जितने भी फालतू काम है वो सारे काम छोड़ के अल्लाह ताला की इबादत में लग जाओ, क्योंकि बड़े मुश्किल से रमज़ान नसीब होता है, वो भी नसीब वालों को। तो गाइस मेरा छोटा सा वीडियो, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कल कौन कौन रोज़ा रखने वाला है, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों तक ये छोटी मोटी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोग शायद कुछ ना कुछ कर लें। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। होती है रोजादारों पे रहमत की बारिशें।